सेवा जोहार। मैं हमेशा कुछ अच्छा सोच के आती हूँ कि कुछ अच्छे से समाज के ऊपर, राजनीति के ऊपर बोलूँगी, लेकिन आप लोगों का इतना प्यार और सहयोग देख के मैं भावुक हो जाती हूँ। मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि मैंने क्या क्या सोच के आई थी। आप लोग का प्यार मेरे को बोलने ही नहीं देता है बिल्कुल। आप लोग का इतना प्यार, इतना सहयोग जो मुझे मिल रहा है, मुझे इससे समझ में आ रहा है कि मेरे पापा का जो 20 सालों का जो संघर्ष और त्याग था वो व्यर्थ नहीं गया है। और आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि मनमोहन शाह बट्टी का जो मिशन था वो हम लोग आगे तक लेके जाएंगे साथ में समझे। मैं आप लोगों के साथ कंधे पे कंधा मिला के चलने को तैयार हूँ। जैसे बोलोगे दिन रात धूप छाव सब जगह साथ में रहने को तैयार हूँ। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए इस लड़ाई के लिए। निकल तो चुकी हूँ मैं, लेकिन मैंने सुना है कि समाज के लिए लड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उंगली वही उठाएगा जिसके लिए आप खड़े हो। किसी भी लड़ाई में जाने से पहले मुझे आपका सहयोग चाहिए। जैसे मेरे पिता को आपने दिया है, जिस तरीके से मेरे पिता पे आप सभी मातृशक्ति का आशीर्वाद रहा है, बहनों का, भाइयों का, मेरे आप सभी मेरे पिता हैं। मुझे बिल्कुल महसूस नहीं होता है कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। आप सब लोगों के अंदर मुझे मेरे पिता दिखाई देते हैं। आप सभी मातृशक्ति के अंदर मुझे मेरी माता दिखाई देती है। ये मेरी एक अकेली माता नहीं है इस दुनिया में, मेरी हजारों माताएँ इस दुनिया में। मेरे पिता ने मुझे हाथ छोड़ के चले गए हैं, मेरे सर से मेरे पिता का साया गया, लेकिन मुझे आप लोगों ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि बेटा तेरे पिता नहीं है इस दुनिया में। हर एक इंसान ने मुझे यहाँ पे महसूस दिलाया है कि तेरे ऊपर आज भी साया है तेरे पिता का। आप सब लोगों ने मुझे पिता का प्यार दिया है। यही सहयोग मुझे आप लोगों से चाहिए। अभी हम लोगों को निकलना है, वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं लोग। माफ़ी चाहूँगी ज़्यादा बोल नहीं पाई, लेकिन आप लोगों ने मुझे बहुत भावुक कर दिया, बस इतना ही कहूँगी। बाकी मैं रात में यहाँ आके कितने बजे आने वाले हैं हम लोग? 8 बजे हम लोग यहाँ आने वाले हैं। जिन लोगों से ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाई हूँ, सब लोग मेरा नंबर ले लो, कभी भी किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हो। कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ हो, मेरे को पता है मैं अपने पापा की कमी आप लोगों के लिए कभी पूरी नहीं कर सकती। शायद मैं वो नेता नहीं बन पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ।